हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज अभिजीत एंड यू वाचिंग कोडिंग फॉर ऑल बाय न्यूटन स्कूल। एंड अभी हम पाइथन इंटरव्यू सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं एंड ये उसका वीडियो है। और अभी तक हमने बहुत सारे वीडियोस को कवर अप कर लिया है जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसे जनरेटर क्या होते हैं एंड मल्टीपल आर्गूमेंट्स कैसे पास कर सकते हैं किसी फंक्शन के अंदर एंड पाइथन क्या होती है एंड बहुत सारे अलग अलग वीडियोज़ बनाए हैं। एंड अगर उन वीडियोस को आपने अभी तक नहीं देखा है तो डेफिनेटली आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं ताकि आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी पाइथन के इंटरव्यू में आखिर किस तरीके के क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या वो लेवल होता है। ओके, सो ये उसका अगेन वीडियो है एंड उसी सीरीज को भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं 15 डेज तक। एंड इस वीडियो में हम सीखेंगे कि लैम्डा फंक्शन क्या होता है। एक लैम्डा फंक्शन एक तरीके का इनलाइन फंक्शन हो गया। अगर आप C++ के बैकग्राउंड से हैं तो आपको इनलाइन फंक्शन के बारे में होता है। इनलाइन एक सिंगल लाइन फंक्शन होता है, उसी तरीके से लैम्डा फंक्शन होता है। लेकिन कई बार इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि आपको एक फंक्शन बनाना है बट उसमें आपको फंक्शन या फिर डेफ कीवर्ड यूज़ नहीं करना है। जैसे नॉर्मली जब हम फंक्शन में बनाते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में तो हम यूज़ करते हैं डेफ कीवर्ड एंड उसके बाद फंक्शन का नाम पास करते हैं। सपोज दैट अगर मुझे ए प्लस बी का कोई दो फंक्शन लाइक ए एंड बी का एक फंक्शन बनाना है तो मैं इस तरीके से उसकी डेफिनेशन लिखूंगा, ए प्लस एंड बी। ठीक है, अब इसी फंक्शन को अगर मुझे लैम्डा फंक्शन में कन्वर्ट करना होगा तो वो मैं कैसे करूँगा। एंड जैसे कि हमें पता है जो पाइथन जो होती है वो फर्स्ट फंक्शन जो होता है पाइथन के अंदर वो फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट होता है। सो लैम्डा फंक्शन को बनाने के लिए यूज़ करना होता है कीवर्ड लैम्डा एंड इसके अंदर जो भी हमें आर्गूमेंट पास करना है जैसे ए और बी पास करना है। अभी ए और बी करेगा क्या, ए प्लस ऑफ बी रिटर्न करेगा। अब ये हमारा पूरा लैम्डा फंक्शन हो गया जो ये इस तरीके का होता है, मतलब ये सिंगल लाइन फंक्शन हो गया। अब इस फंक्शन को हमें एक जगह यूज़ करना पड़ेगा, लाइक अगर हम एक एफ करके वेरिएबल बनाते हैं तो उसमें यूज़ करेंगे एंड उसके बाद अगर हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे एफ में हम दो वेरिएबल पास करते हैं, दो वैल्यू पास करते हैं 1 और 3 तो इसका आंसर आना चाहिए क्या, 4। तो इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं, लिखते हैं पाइथन मेन डॉट पी वाई। अब आप देखोगे तो क्या लिख करके आ रहा है, 4। ठीक है, तो ये एक सिंगल लाइन फंक्शन हो गया जिसको हम लैम्डा फंक्शन हो गया। अब इसको हम कभी भी कॉल कर सकते हैं। बेसिकली लैम्डा फंक्शन आपको इस तरीके का लाना चाहिए जब आपको ज़्यादा आर्गुमेंट एंड ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन नहीं लिखना है तब आप लैम्डा फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी आपका कोड को इम्प्रोवाइज करता है। अब उसके बाद कई बार क्या होता है हमें लैम्डा फंक्शन के अंदर रिकर्जन लगाना होता है। तो नॉर्मल फंक्शन के अंदर अगर हमें रिकर्जन लगाना होगा तो हम इस तरीके से फन कॉल करेंगे, इसके अंदर कंडीशन डाल देंगे अपने जो भी वेरिएबल होंगे एंड यहाँ पे एक कंडीशन को एंड करने के लिए ताकि ये इन्फिनाइट उसमें ना चला जाए उसके लिए हम यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे और टर्मिनेट कर देंगे अपना रिकर्जन। लेकिन जब कंडीशन मटोगे लेकिन लैम्डा फंक्शन में इस तरीके को कैसे कर सकते हैं उसको हम देखते हैं। सो सपोज दैट वही हम लैम्डा एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाते हैं, फैक्टोरियल का प्रोग्राम सबसे बेस्ट रहेगा। तो लैम्डा फंक्शन में एक वेरिएबल वैल्यू डालते हैं एन की एंड एन का ये वो लाइक नंबर ऑफ लाइक अगर हम इसको 5 पास करेंगे तो ये 5 का फैक्टोरियल रिटर्न करके देगा। इसी तरीके से हमें आगे काम करना है। तो अब क्या होगा, फैक्टोरियल को हमें यहाँ पे सिंगल लाइन इफ एल्स कंडीशन यूज़ करनी पड़ेगी जो कि पाइथन में पॉसिबल है। तो फिर हमें क्या करना, कंडीशन क्या होती है, क्या कहते हैं फैक्टोरियल की, जब n इक्वल टू 0 हो जाता है तो हमें रिटर्न करना होता है क्या, 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ n इक्वल टू 0 तो फिर हम रिटर्न करा देंगे क्या, 1। अदरवाइज एल्स में हम क्या रिटर्न करवा देंगे क्या, इसी फंक्शन को कॉल करेंगे क्योंकि ये जो फंक्शन है फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट होता है तो ये फंक्शन जो है ये इसको पॉइंट कर रहा होगा इस लैम्डा फंक्शन को, इसकी आईडी इसके अंदर एफ के अंदर पड़ी होगी तो इसी एफ के बदौलत हम उसको कॉल करेंगे। सो एन इन टू क्या लिखेंगे, एफ और इसके अंदर एन माइनस ऑफ 1 वैल्यू भेज देंगे। अब इस फंक्शन को जब हमें एग्जीक्यूट करना पड़ेगा तो हम लिखेंगे एफ एंड इसके अंदर वैल्यू डाल देते हैं। तो 5 का फैक्टोरियल हमें पता है जैसे 120 होता है तो इसका आंसर क्या आ गया, 120। अगर हम इसमें लाइक और ज़्यादा वैल्यूज पास करेंगे तो ये उतने का फैक्टोरियल दे देगा। अगर मैं यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल करूँ तो 4 का फैक्टोरियल होता है 24 तो 24 हमारा आंसर आ चुका है। सो इस तरीके से लैम्डा फंक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं एंड लैम्डा फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप पाइथन या फिर कोई भी फ्रेमवर्क में काम करते हो तभी भी आपको इंपॉर्टेंट करना होता है एंड इस तरीके से आप चीज़ों को देख सकते हो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए एंड मीट यू द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय, थैंक यू। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, न्यूटन स्कूल आखिर है क्या, इस चीज़ को देखने के लिए हम क्या करते हैं, चलते हैं आगे। सो न्यूटन स्कूल एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये कंप्लीट 6 मंथ लॉन्ग ट्रेनिंग होती है, इसमें आपको बैक एंड एंड फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी सिखाई जाती हैं।
एंड इसमें आपको तब तक कोई भी फी नहीं पेमेंट करनी पड़ती जब तक आपकी जॉब 5 लाख से अबव की ना लग जाए। एंड बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज के टाई अप हैं न्यूटन स्कूल के साथ में, जो कि न्यूटन स्कूल से रिक्रूट करते हैं। लाइक आप कंपनीज देख पा रहे हो गूगल, थॉट वर्क, जोमैटो, शाओमी, बायजू, अनअकैडमी, ये सब टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस की फैसिलिटी मिलती है, इंडस्ट्री लेवल के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, मॉक इंटरव्यूज मिलते हैं, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, पर्सनल मेंटरिंग मिलती है। पर्सनल मेंटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको पर्सनल मेंटरिंग मिल जाती है देन यू कैन ग्रो एक्सपोनेंशियली, ठीक है। और आपको उस इसमें करना क्या होगा, अगर आपको न्यूटन स्कूल में लाइक न्यूटन स्कूल की क्लासेस को लेना है, देन वॉट यू कैन डू इज यू, आपको इस वेबसाइट पे आना है newtonschool.co एंड यू हैव टू क्लिक द अप्लाई बटन। एंड यहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलेगा जिसको आपको फिलअप करना है एंड न्यूटन स्कूल एक्सपर्ट विल कॉल यू बैक, आपको सारी डिटेल्स वो बता देगा। सो इफ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर करियर, इफ यू वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट इन लाइफ, डेफिनेटली यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। दिस इज इट फॉर द वीडियो, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, थैंक यू।